अबे नाजिम तेरी सेटिंग इतनी गाली बकल क्यों आई तुझे? अबे यार हमने एक ही जुम्मे में अपनी सारी पोल खोल दी। कैसी पोल खोल दी? मुझसे पूछ रही पर्सनल और सीक्रेट में क्या फर्क है। तो फिर तूने क्या कही? पर्सनल तुम मेरी सेटिंग हो और सीक्रेट तुम्हारी छोटी बहन भी मेरी सेटिंग है। साले दोनों को बटाए पड़ा बहन चल हमारे नाम कर दे एक नौ पागा यार दो चार थप्पड़ और मार दिए। बहन के लोले तुझसे कह रही हाथ फाड़ती है। अरे क्यों दुबका पड़ा है तू? अबे दुबके रहने दे यार। क्यों? अबे मेरी खूबसूरती देख के लौंडियां भी होश हो रही हैं। जरा देख ना पुलिस स्टेशन हो तो मेरा क्या होगा? अभी तो पासपोर्ट भी ना बना। सड़ान साले सड़ा हुए कालिए हम गोरे हमसे तो नौरी लौंडी। भाई किसने ही मारा था मुझे? भोसड़ी के मिस्टर कुछ नहीं कहूंगा बहन बोलो पहले बता रही हूँ उनने कही मीजन तेरे भाई ने गाड़ी खरीद ली। तेरे पास तो पैसे भी ना थे। अबे पैसों का क्या दो मिनट का काम है पैसे कमाना। आदमी के पास बस मजबूत गांड होनी चाहिए। मतलब राउंड चलवा रहा हो क्या? कितने निकलवा दो एक दिन में? ऐसे ही सामने लगाता हूँ। अरे मेरी जान खरीदने को तो मैं भी कार खरीद सकता हूँ बंगला खरीद सकता हूँ लेकिन क्या करूँ पैसे ही नहीं है। तो कद्दू के लिए कह दिया। तो गाइस आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचते हुए काफी लोग रोकेंगे लेकिन आपको उनसे कहना क्या है? साइड एट भोसड़ी के आगे बढ़ने दे। साइड एट भोसड़ी के रुक जा यार। हेलो बच्चा है अभी और तू सॉरी बोल के निकल ले। दानिश भाई तुम्हें कैसे एरिया पसंद है जंगल के या पहाड़ी एरिया? देख भाई तेरे भाई को पसंद है मुन्नी का कोठा। बड़ा सुकून है भाई साहब पता ही ना चलता रात कैसे कट रही। ओहो भले लगता नहीं जाती ना यार क्या बात है। फैयान भाई आज गए हम टेस्ट में जिम करने की बॉडी बना करनी है। अच्छा भाई फिर क्या हमने जिम छोड़ दी? क्यों? हमारी जो बराबर में जिम कर रहा था उसकी बगलों के ये लंबे लंबे बाल थे तो हमने सोचा बॉडी छोड़ो अब बगलों के बाल बढ़ाएंगे। क्या पता बॉलीवुड में ऐसी एंट्री कर ले हमारी। बॉलीवुड नहीं साले तू ओलंपिक में जाएगा बहनचोद। दानिश भाई अब मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लिया हूँ। क्यों भाई क्यों तोड़ रहा यार दोस्ती हमसे? तुम्हारे बाप का घर बिक गया फैक्ट्री बिक गई कर्जे में आ गए अब हम पे क्या पैसे खर्च करोगे तुम? काले लालची आज तीन के एक गीदड़ कुछ भी समझ ले भैया पैसा पैसा खर्च करे तो रखते ही दोस्ती जैसा लगता। नादिर भाई अकेले अकेले खा रहा हो हमें ना खिलवाओगे? अपनी बहू के साथ स्वागत अकेले अकेले मना ली हमें ना मनवाओगे? तो गाइस अगर आप कहीं भी ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है और आपकी गाड़ी सीधी एकदम पार हो जाएगी। आपकी गाड़ी सबसे पहले निकलेगी सारा ट्रैफिक एक तरफ हो जाएगा इसलिए मेरी बात पर ध्यान देना और गाइस लाइक करना फॉलो करना। अब यहाँ चलना है कॉलेज की छुट्टी हो गई लौंडिया देखेंगे। किसे नहीं लेके आऊंगा मैं? क्यों साला जिस लौंडिया को हम देखे यूँ कहता है ये मेरा बचपन का प्यार है। तो गाइस ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी बहुत मदद करता है हर चीज में मेरा साथ देता है कुछ भी जरूरत हो हर चीज के लिए मेरे लिए खड़ा रहता है और कभी कभी बुरा वक्त पड़ने पे मुझे अपनी गाड़ भी दे देता है। भाई यहाँ से अरे यार सच्चाई निकली जाती है कभी कभी मुझे कोई बात नहीं तूने तो मुझसे कहीं कोई धन्यवाद ना कहूंगा। क्या हो गया फैजान किसने मारा साले की टांग पे टांग आपके चीर दूंगा नाम बता एक बार उसका। कल्लू ले ले ना बाबा। यार उससे तो हम भी कुछ ना कह सकते। क्यों उसने कली मुझे मार दे रही है वो
गोती मार रहा है कसम से। झाइडो नाम के कद्दू के लिए ले रही है, जिससे मारा जिससे ना। अगर आपका दोस्त कह रहा है कि बुल्ला किससे लड़ाई हुई है, मैं खड़ा तो हूँ, तो उस पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि आप पिटते रहोगे वो खड़ा हुआ देखता रहेगा। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था भाई साहब, मैं पिटे जा रहा था और खड़ा हुआ देख रहा था वो। मैं भी सोच रहा किसी को भाग दूंगा। मैं एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूँ, क्या तू उसमें मेरा हीरो बनेगा? हाँ मैं लगता तो हीरो टाइप ही हूँ, लेकिन मेरे रोल थोड़े कम रखना। हाँ तेरे रोल कम ही है, 3 रोल बना रहा हूँ तेरे बहुत ही खतरनाक वाले। क्या मुझे क्या फाइट करनी पड़ेगी? नहीं, तीनों जगह तुझे गद्दार को गांड देनी है अपनी। <या, laughs>